इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखा है। आज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा एमईआर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा एमईआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, बट इस स्ट्रक्चर की सहायता से प्रैक्टिकली आप किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया गया है कि क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है और यहाँ नहीं भी प्रयुक्त है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करना है, एमईआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड, और एमईआर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है, तो तुम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यू प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमेशा यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। अब देखो, आर के बाद आपको सब्जेक्ट प्रयोग करना है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, तुम, यू। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट, तो यहां पर हम देंगे नोट। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, और अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, भाग्यशाली, ठीक है, लकी। क्या तुम भाग्यशाली नहीं हो, आर यू नॉट लकी। इसके बाद क्या है, क्या आपकी बहन बैंक मैनेजर हैं। सबसे पहली बात यहां पर एक चीज आप देखो कि ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, एमईआर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जैसा कि आपको पता है कि एमईआर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आपकी बहन। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और जैसा कि आपको पता भी है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तो इसके साथ हम इज प्रयोग करते हैं, अर्थात इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप सेंटेंस की शुरुआत इज से करेंगे। क्लियर है, इज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आपकी बहन, योर सिस्टर। सब्जेक्ट के बाद क्या है, अदर वर्ड। अब देखो, अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, बैंक मैनेजर। सबसे पहली बात, ये जो मैनेजर है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, जैसा कि आपको मैंने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज और उसके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया है, यदि सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नंबर हो और यदि अदर वर्ड के रूप में कोई काउंटेबल नाउन हो, तब हम उस काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग करते हैं उस काउंटेबल नाउन के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। तो यहां पर मैनेजर क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और बैंक यहां पर क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, यदि किसी काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले हम ए या फिर एन प्रयोग करते हैं उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। अब यहां पर देखो कि बैंक का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, अर्थात यहां पर आपको ए प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई, तो क्या है, बैंक मैनेजर, तो क्या आएगा, ए बैंक मैनेजर। क्या आपकी बहन बैंक मैनेजर है, इज योर सिस्टर ए बैंक मैनेजर। क्या राजेश शर्मा प्रकाशक हैं, तो सबसे पहली बात, राजेश शर्मा, ठीक है, इसके साथ इज प्रयोग में आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत इससे कर लेंगे, इज राजेश शर्मा। अब देखो, प्रकाशक ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से इसके पहले ए या फिर एन प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो पब्लिशर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर हम ए प्रयोग करेंगे, ए पब्लिशर। इज राजेश शर्मा ए पब्लिशर, क्या राजेश शर्मा प्रकाशक हैं। क्या तुम्हारे चाचा प्रोफेसर नहीं हैं,
इज योर अंकल नोट ए प्रोफेसर? क्या तुम्हारे चाचा प्रोफेसर नहीं है? इज योर अंकल नोट ए प्रोफेसर? क्या हमारे देश के नेता शिक्षित नहीं है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमारे देश के नेता, अर्थात के नेता सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत आर से कर लेंगे, ठीक है? आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नोट एजुकेटेड। आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नोट एजुकेटेड? क्या वे लोग आलसी नहीं हैं? आर दे नोट लेजी? क्या तुम धूर्त हो? आर यू कनिंग? क्या रूबी गायिका है? इज रूबी ए सिंगर? क्या हम लोग खिलाड़ी नहीं हैं? आर वी नॉट प्लेयर्स? क्या बच्चे नटखट नहीं हैं? आर द चिल्ड्रन नोट नट्टी? क्या बच्चे नटखट नहीं है? आर द चिल्ड्रन नोट नट्टी? क्या वह डरपोक नहीं है? इज ही नोट टिमिड? क्या वह डरपोक नहीं है? इज ही नोट टिमिड? क्या तुम्हारा भाई दुष्ट नहीं है? इज योर ब्रदर नोट विक्ड? क्या तुम्हारा भाई दुष्ट नहीं है? इज योर ब्रदर नोट विक्ड? क्या वह डकैत है? इज ही ए रॉबर? देखो रॉबर क्या है? काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड आता है, इसलिए इसके पहले मैंने ए प्रयोग किया है, ठीक है? अगला सेंटेंस है, क्या आपकी पत्नी सुंदर नहीं है? इज योर वाइफ नोट ब्यूटीफुल? क्या तुम्हारा पति बेवकूफ है? इज योर हस्बैंड फुलनेस? क्या तुम लोग क्रूर नहीं हो? आर यू नॉट क्रूएल? क्या सूर्य गोल है? इज द सन राउंड? क्या वह वैज्ञानिक है?
इज ही ए साइंटिस्ट? क्या वे लोग सावधान नहीं हैं? आर दे नॉट केयरफुल? क्या राहुल बुद्धिमान नहीं है? इज राहुल नॉट वाइज? क्या राहुल बुद्धिमान नहीं है? इज राहुल नॉट वाइज? आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।